पंजाब में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल के बीच चल रही ट्विटर पर जंग लोगों का मनोरंजन कर रही है। हरसिमरत बादल ने पंजाब सरकार पर केंद्र सरकार से मिली राहत आम लोगों तक न पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। बदले में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरसिमरत बादल को पंजाब की जनता को झूठ बोलकर गुमराह न करने की सलाह दे डाली। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रधान भगवंत मान ने भी इन दोनों नेताओं की लड़ाई में टांग अड़ा दी है। दोस्तों, आज हम पंजाब की सियासत में चल रही इस नोकझोंक की बात करेंगे। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। पंजाब में कोरोना वायरस की स्थिति पर दो शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। चलो अब शुरू करते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोरोना वायरस की स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार से आर्थिक पैकेज और जीएसटी रिफंड का बकाया देने की मांग की थी। इस पर केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने दावा किया कि पंजाब सरकार की धन राशि और अनाज देकर उचित सहायता की गई है। हरसिमरत बादल ने अलग अलग ट्वीट कर पंजाब सरकार को भेजे गए पैसे का ब्यौरा भी दिया है। हरसिमरत बादल ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से पूछा है कि राज्य के जरूरतमंद लोगों को कोई राहत क्यों नहीं मिल पा रही। हरसिमरत बादल ने कहा कि 20 मार्च के बाद केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी के रिफंड का बकाया 2,366 करोड़ रुपए के अलावा 3,445 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज, आरडीजी के 638 करोड़ रुपए, आपदा प्रबंधन के लिए 247 करोड़ रुपए, मनरेगा के लिए 72 करोड़ रुपए और एनएचएम के तहत 72 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। हरसिमरत बादल पर जवाबी हमला करते हुए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उस पर गलत जानकारी देकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरसिमरत बादल के ट्वीट के जवाब में कहा कि आपकी जानकारी पूरी तरह से गलत और तथ्य से दूर है। यह पूरी लड़ाई मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के मीडिया एडवाइजर रवींद्र ठकराल और शिरोमणि अकाली दल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लड़ी गई है। इस बीच संगरूर से सांसद और आम आदमी पार्टी की पंजाब शाखा के प्रधान भगवंत मान भी कैप्टन अमरिंदर सिंह और हरसिमरत बादल की लड़ाई में कूद पड़े हैं। कोरोना वायरस के बहाने भगवंत मान ने इन दोनों नेताओं को आड़े हाथों लिया। भगवंत मान ने आरोप लगाया कि सत्ता में रहते हुए यह दोनों ही पार्टियां इस तरह की मुश्किल हालात में अपने चहेतों को फायदा पहुंचाती रही हैं। भगवंत मान ने हरसिमरत बादल और कैप्टन अमरिंदर सिंह को जुबानी जमा खर्च करने की बजाय अपने दावों के पक्ष में दस्तावेजी सबूत पेश करने की सलाह दी है। सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी नए मरीजों की गिनती बढ़ती जा रही है। ऐसे में पंजाब की सभी पार्टियों से तंग राजनीति करने की बजाय आपसी तालमेल से काम करने की उम्मीद की जा रही है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।